आशा है जो बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को डिस्क्रेडिट करने के लिए लगा रही है, प्रशांत जी क्या उनके इशारे पर ये आरोप लगा रहे हैं या इसके अलग, ये लोग आप इसकी मीमांसा करिए। मैं तो इतनी बात कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के खातों को लेकर गृह मंत्रालय, बीजेपी के गृह मंत्रालय ने बाकायदा हाईकोर्ट में कहा है हमने सारे खातों की जांच कर ली है, उसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं, और पहली बार नहीं हुआ, यूपीए के जमाने में भी हुआ था, आज भी था। मैंने कहा, इसमें आशीष खेतान को आने की जरूरत नहीं, आशीष खेतान की पत्रकारिता के लिए उसको मीडिया के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, ना उसको प्रशांत भूषण के सर्टिफिकेट की जरूरत है। आशीष खेतान पर आरोप लगाकर खुद अपने आप को हास्यास्पद बनाने का काम न करें, यह मैं कहना चाहूंगा। जिस महिला की लड़ाई राखी बिरला ने लड़ी है, लंबे समय तक लड़ी है, ये आरोप लगा है उनके परिवार में, किसी महिला ने लगाया, मैं उसके बहुत ज़्यादा पड़ताल में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के पहले उसकी अंतिम पड़ताल करने तो बेहतर है। चलो हो गया, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। मैंने कहा ना, कोई भी अपना पक्ष रख सकता है, ये हमारा संविधान कहता है, लेकिन वहां नई पार्टी बनाने को लेकर वहां जनमत संग्रह नहीं हो सकता। उन्होंने बाकायदा क्वेश्चनेयर बांटा है, और तीसरा सवाल था राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं आप, नहीं जनमत संग्रह करना चाहते हैं, कौन सा लोकतंत्र इस बात की इजाजत देगा। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।